देखिए इस बार का जो बजट है इतना अच्छा और खूबसूरत बजट पेश किया है, ये आज तक हमने देखा नहीं है इतना बढ़िया बजट। मेरे ख्याल से ये पूरा भारतवासी के लिए एक एग्जाम्पल हो गया है। और मैं इसलिए ये जो बजट है मैं कहूंगा ये हमारा जो विजन है विकसित भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो विजन है वो फुलफिल होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारा भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना अच्छा एक बजट पेश किया उन्होंने। खास करके देखिए यहां पर मैंने देखा वो चार, हमेशा बोलते हैं चार वर्ग है भारत में, एक है गरीब, यूथ और वुमेन और कृषक, ये चार जो जात, हम लोग जात पात का बहुत राजनीति बहुत हम सुनते हैं। इस माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये चार जात को अगर डेवलपमेंट हो तब देश भी डेवलपमेंट होगा। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग देखें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ज्यादा होगा उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा। तो ये सब हमने देखा जिस तरह बजट यहां पर पेश हुआ है एक से एक। देखिए हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें भी देखिए और 5 साल और भी उसमें बढ़ा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जो जनजाति उन्नयन ग्राम अभियान, उसमें भी आप देखिए जो 63,000 जो ग्राम है उनको वहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसके बारे में भी इस बजट में कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना हम हमेशा जानते हैं, और वहां पर भी हमने देखा 3 करोड़ और उसमें बजट, 3 करोड़ घर के लिए उसमें बजट में रखा है। और हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हमेशा बात होता रहता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये 20 लाख जो युवा है इनके लिए कैसे उनको काम दिया जाए, इसके लिए 5 साल में 20 लाख युवा के लिए वो बंदोबस्त इस बजट में देखा गया है। सिर्फ ये भी नहीं है, हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके बारे में भी जो जहां पर ये बहुत सारे जगह है हमारा, इसके लिए भी उन्होंने इसको भी ध्यान दिया है इस बजट में, उसका भी हम लोग देखें उसका भी जिक्र किया है। मुद्रा ऋण का सीमा पहले 10 लाख था, अब उसको बढ़ा के 20 लाख किया है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा एक चीज उन्होंने इस बजट में देखा गया है, बैंक का जो उसका जो एक्सटेंशन बैंक परिसेवा उसको पूरा 100 के ऊपर और भी शाखा यहां पर स्थापन करना है। और हमने ये भी देखा जो ग्रामीण इलाका में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है तो उसमें 2.66 लाख करोड़ उसके लिए भी बजट में रखा गया है। और प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली, ये जो योजना है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम मैन प्रोजेक्ट है, उसको 300 यूनिट तक उस बिना मुफ्त में उसके लिए भी एक उसमें बजट में देखा गया। महिला और बालिका के लिए उनको लिए 3 लाख करोड़ उसके लिए भी योजना रखा है यहां पर। और नॉर्थ ईस्ट में और एक चीज रखा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 100 के ऊपर ये यहां पर शाखा खोलेंगे। और मेरे ख्याल से मैंने देखा ये इंक्लूसिव बजट है, तो ये तो मैं कुछ बोला हूं, इसके बावजूद भी जैसे एजुकेशन में देखिए एजुकेशन लोन जो है उसका भी मात्रा काफी बढ़ा है। कोई अगर हायर स्टडी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी इस बजट में रखा है। सिर्फ ये भी नहीं है, आप देखिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर स्पोर्ट्स
मतलब हेल्थ सेक्टर सभी जगह में, सभी क्षेत्र में इस बजट में एक दिशा दिखाया और मेरे ख्याल से ये सभी खुश है। हम भी, मैं बार बार मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बजट के लिए, इतना अच्छा बजट उन्होंने पेश किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।